what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. बस सोनिया की इसी बात पर उनके राजनीतिक संन्यास की अटकलें लगने लगी। दरअसल हुआ यूं कि पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान भाषण दे रही थी और भाषण के दौरान उन्होंने ऐसी बात कह दी कि उनकी राजनीतिक पारी के खत्म होने की चर्चा गर्म हो गई। अब सोनिया ने ऐसा बयान कांग्रेस अधिवेशन में दिया तो सियासी गलियारों में नई चर्चा छिड़ गई। सोनिया गांधी के पारी को विराम देने वाले बयान को लेकर ये कयास लगाए जाने लगे कि उन्होंने सक्रिय राजनीति से अपनी पारी को विराम देने के संकेत दिए हैं। लगा कि इशारा इस तरफ हो सकता है कि 2024 में सोनिया चुनाव ही ना लड़े। सोनिया के बयान के बाद अपने दिमाग के घोड़े सब दौड़ाने लगे, लेकिन कुछ ही देर में कांग्रेस के नेताओं ने गुब्बारा फोड़ दिया और ये कह दिया कि भाई आप इसे सही संदर्भ में नहीं ले रहे। दरअसल सोनिया गांधी जी तो अपने बतौर अध्यक्ष खत्म हुए कार्यकाल को लेकर बात कर रही थी। सुनिए सोनिया की करीबी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा। यू पीपल हैव टू पुट इट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। सोनिया जी वॉज अ प्रेसिडेंट, टूडे वी हैव अ न्यू प्रेसिडेंट। सोनिया जी हैज स्पोकन अबाउट हर टर्म, शी टुक अ डिसीजन, शी हैज स्पोकन अबाउट दैट, वी हैव ऑल स्पोकन अबाउट दैट, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। एंड द न्यू प्रेसिडेंट हैज ऑल्सो सेड इट ऑन रिकॉर्ड दैट ही विल सीक अ गाइडेंस। So I don't think that this should be misconstrued in any way. It is obvious that one president's term has ended and another president's term has begun, it has commenced. But we all work together here. All of us work together. So it has nothing to do with the electoral politics, active politics, what the people are interpreting? See, that interpretation, it is being done here within these precincts. But the point is, you should take it the way she has said it, the way Congress president has said it. Let's not try to put too much into these things. भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनका जो भाषण था उदयपुर में, उसी में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की थी, जो सफलता से पूरी हुई, उसी की तरफ उन्होंने इंगित किया है। कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने तो 2024 के लिहाज से ये भी कह दिया कि मेरे हिसाब से तो रायबरेली से बेस्ट कांग्रेस कैंडिडेट सिर्फ सोनिया गांधी हो सकती हैं और उन्हें लड़ना भी चाहिए। मानूंगा कि अगर संगठनात्मक बातें हैं या संगठन में क्रियाशील होने की बात है तो शायद उन्होंने कहा है कि जैसे अध्यक्ष का पद था या कोई एग्जीक्यूटिव पद था या क्रियाशील पद था, अब उससे तो एक तरीके से कह रही है कि नहीं अब उसमें मैं नहीं डलूंगी। लेकिन उसके अलावा भी राजनीति में बहुत होते हैं, एडवाइस होती है, गाइडेंस होती है, वर्किंग कमेटी में आके अपनी बात कहनी होती है, कभी कोई जटिल बातें हो जाए हम लोगों के पास जाते हैं चर्चा करने के लिए। वो रोल जो है सीनियर लोगों का, मेरे ख्याल से वो रोल सोनिया जी आज भी अपनाएंगी। सांसद भी हैं, जनता फिर से अपने सांसद को चुनना चाहती है, वो ठीक बात है, वो तो खुद बताएंगे सोनिया जी क्या वो लड़ना चाहती कि नहीं। देखिए हमारे हिसाब से सबसे बेहतरीन कैंडिडेट कौन रहेगा रायबरेली में कांग्रेस के लिए, मैं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी या AICG की तरफ से तो नहीं जवाब दे सकता, अपनी तरफ से तो कह सकता हूँ कि सबसे बेहतरीन कैंडिडेट कांग्रेस का सोनिया जी हैं। लेकिन जब सोनिया जी पर तय करेंगे, मेरे हिसाब से उनको लड़ना चाहिए, लेकिन ये उनका निर्णय रहेगा। बता दें कि 22 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर सोनिया गांधी ही काबिज रही। पिछले साल के 26 अक्टूबर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये पद संभालना शुरू किया। वैसे सोनिया को लेकर पहले भी अटकलें लगती रही हैं। पहले भी सवाल उठे कि सोनिया ने सक्रिय राजनीति से अगर सचमुच संन्यास ले लिया तो फिर रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा। कहा जाने लगा कि ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी सेफ ऑप्शन साबित हो सकती हैं और अगर प्रियंका नहीं तो शीला कौल के किसी रिलेटिव को टिकट देने की चर्चा होने लगी। बता दें कि शीला जवाहरलाल नेहरू की रिश्तेदार थी और रायबरेली से MP थी। दरअसल सोनिया के रिटायरमेंट की बातें उनकी उम्र और सेहत के चलते भी उठती रही हैं। सोनिया 76 साल की हैं और बीते कुछ समय में वो इलाज के लिए कई बार विदेश जा चुकी हैं। हालांकि राहुल गांधी ने जिस भारत जोड़ो यात्रा को लीड किया उसमें वो शामिल होने से नहीं चुकी। जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे तब भी सोनिया गांधी ने कहा था कि लंबे समय से वो इस वक्त का इंतजार कर रही थी। तब भी कहा गया कि वो एक्टिव और बड़ी भूमिका से मुक्ति चाह रही थी। खैर असल में 2024 के लिहाज से क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। भले ही सोनिया गांधी ने कुछ संकेत दिए हों, लेकिन सोनिया की
कांग्रेस ब्रिगेड ने सक्रिय राजनीति से सोनिया के संन्यास की बात को नकार दिया है। इस पर आपका क्या है कहना, कमेंट्स में लिखकर बताएं सोनिया गांधी को संन्यास लेना चाहिए या नहीं। न्यूज तक ब्यूरो।